ये देखिए श्वान, पानी से निकल कर जा रहे थे, भैया ने भगा भगा के घुसाया है सबको। वेल डन भैया। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरा इस वीडियो पर। और फिलहाल मैं हूँ हफेई चाइना में, एक पार्क में घूम रहे हैं और फिलहाल मैं इस फ्लावर गार्डन का मज़ा ले रहा हूँ। और यहाँ पे टुलिप्स खिले हुए हैं काफ़ी सारे, क्या शानदार टुलिप्स खिले हैं देखिए, ये पूरा आगे तक भरा हुआ है। और ये कुछ कुछ एनिमल्स बना हुआ है इधर ग्राउंड के सामने। और इधर देखिए कितना फूल भरा हुआ है, वो कितना शानदार दिख रहा है। और वहां पे दिख रहे हैं बतख हैं। और ये देखिए श्वान, पानी से निकल कर जा रहे थे, भैया ने भगा भगा के घुसाया है सबको। वेल डन भैया, देखिए क्या शानदार तैर रहे हैं। फूलों के वादियों में आपका स्वागत है। यहां से छोड़ के इधर चलते हैं और इधर भी देखिए क्या शानदार दिख रहा है। और यहाँ पे थोड़ा रेड रेड फूल है, वहां पे थोड़ा पिंक पिंक था, देख सकते हैं। और ये वाला देखिए फूल, यहाँ पे पिंक पिंक है और काफी शानदार लग रहा है यहाँ से। अब गिरे हुए हैं काफी और खुशबू भी काफी शानदार है यहाँ पे, देखिए नीचे पूरा ग्रीनरी और ये फूलों से भरा हुआ। ये देखिए घोंसला बना हुआ है यहाँ पे फोटो खींचने के लिए। और आगे पानी है, डोरेमोन का एक डस्टबिन बनाया है और ऐसे ही हम जा रहे हैं फूलों के साथ, इस वादियों के साथ, और चलते रहना है। देखिए जहाँ पे भी आपका आँख जा रही है फूलों से भरा हुआ, ये देखिए पिंक 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 और ग्रीन से भरा हुआ है पूरा। आगे बढ़ते हैं और कौन सा सीनरी आपको खराब लग रहा है यहाँ पे बताइए, हर जगह कितना सुंदर लग रहा है। और ये देखिए क्रॉसिंग कैसे बनाया, इधर देखिए पेड़ों को ऐसे ऐसे क्रॉस करके लपेट कर गमला जैसे बनाया है और उसमें फूल खिले हैं। देख रहे हैं क्या शानदार दिख रहा है। देख रहे हैं जंगल कैसे बनाया हुआ है,
शहर के बीच में। इधर भी पिंक ब्लॉसम से भरा हुआ है और ऐसा ऐसा आगे गया है जहाँ से आए थे हम, तो ऑलमोस्ट इतना है। बाकी आगे अगर कुछ मुझे मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी कितना ज़्यादा पेड़ लगाए हैं देखिए, और ऐसा नहीं कि मतलब ये पहले था, ये सब लाके लगाया हुआ है और इतना मेंटेनेंस करके रखे हैं इसके। ये देख सकते हैं मतलब लकड़ी देके उसको स्टेबल रहने के लिए बनाया है, और बीच बीच में वो नालियाँ बनाया है ताकि मतलब पानी एक जगह छोड़े तो आके मतलब सब सारे पौधे और पेड़ों को मिल सके। तो कितना मेंटेन रखते हैं यहाँ पे, ये बहुत अच्छा मतलब लगा मुझे यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पे कमल का फूल बनाया हुआ है प्लास्टिक में, और ट्रेन की ब्रिज क्रॉस किया है यहाँ पे, ऐसे होके गया है वहाँ पे, क्या शानदार दिख रहा है। बाकी यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए कुछ बनाया हुआ है, कूदने के लिए और रोलर कोस्टर वगैरह, और ये जो ट्रेन है उसकी यहाँ पे पार्क हुई हुई है। तो ये था ये, तो यहाँ हमने कवर कर लिया ये ग्राउंड वगैरह बीच वाला, और ये जो फूल खिले हुए हैं। अब फिलहाल मैं यहाँ पे हूँ और इतना बाकी है, इतना करके फिर चलते हैं हम बाहर। तो ऐसा कुछ है माहौल यहाँ पे। फिर से ट्यूलिप वाली सेक्शन में आ गए, और यहाँ पे एक पोखर बना हुआ है पानी का, और वहाँ पे फाउंटेन चल रहा है, ये देख सकते हैं। और चिड़िया भी है यहाँ पे, यहाँ इसका नाम है डैम्स लेक, और ये बीचों बीच है। इस क्रेबेबल फ्लावर सी लिखा है जो यहाँ पे, क्रेबेबल फ्लावर सी के बीच में, और यहाँ पे लिखा है सारा सब कुछ आप देख सकते हैं। तो तीनों लैंग्वेज में लिखा है, ऊपर में चाइनीज लिखा है, फिर बीच में इंग्लिश में, और नीचे कोरियन में लिखा है। तो ये कुछ था इस पार्क का नज़ारा। और यहाँ पे पानी ऐसे क्रॉस हो रहा है, और ब्रिज देखिए ऐसे पानी होते हुए क्रॉस होके जा रहा है। तो इधर भी वेसल्स बनाया है जैसे वहां पे बना था, और यहाँ पे बलून है चाइनीज कार्टून की। तो ये खरगोश बनाया क्योंकि ये खरगोश साल है इस बार में चाइना के कैलेंडर के हिसाब से। और यहाँ पे एक फूल बना हुआ है, जी हाँ यहाँ पे लिखा है कि आप कौन सा वाइल्ड प्ले कर सकते हैं यहाँ पे, सीनिक ब्यूटी में क्या क्या देख सकते हैं यहाँ पे, और खाने में डेलिकेसीज में क्या क्या है, और क्लासरूम भी है। तो ये सब कुछ है यहाँ। तो इधर से चंदा मामा दिख रहे हैं, इधर वॉशरूम भी है, आपको बीच में सुसु लगे तो जा सकते हैं यहाँ पे भी। तो इधर टॉयलेट भी ऐसा बना रखा है फ्लश के साथ, वाह, और हाथ धोने के लिए भी बनाया, और ये श्वान जैसे बनाया इधर देखिए डिजाइन। तो इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही मेरे साथ ट्रिप करते रहने के लिए मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट दीजिए आपका सजेशंस, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने से मुझे काफ़ी फायदा मिलेगा, वीडियो को पूरा देखिए, पूरा यहाँ तक देखने के लिए आपको धन्यवाद, और मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।